हेलो एवरीवन, हमारे सैनिटाइजर वाले वीडियो के बाद आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि अब मास्क कैसे बनाया जाए और मास्क बनाने का वो सस्टेनेबल तरीका जिसमें पैसे भी खर्च ना हो और सबके लिए बने। तो आज हम आपको एक बहुत ही बेसिक तरीका दिखाते हैं और बहुत ही बेसिक तरीका एक हो सकता है जिसमें कि आप मास्क बनाएंगे और उसकी ज़ीरो कॉस्ट होगी, किसी की कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग गांव में हैं और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है मास्क खरीदने के लिए और या फिर मास्क अवेलेबल नहीं होते। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल विधि आप लोग को फॉलो करनी है, उस विधि को एक नाम देते हैं जैसे कि सूत दान महाकल्याण। तो आपको, अगर आप गांव में हैं तो आपको ये करना है कि कोई भी एक वॉलंटियर होके अपना, पहले तो अपने हाइजीन का ख्याल रखें और पहले अपने आप को सेव करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें और आप एक वॉलंटियरिंग करने के बाद आप लोग गांव से सूत या कॉटन का कपड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, यूजेबल, नया नहीं चाहिए, यूजेबल आप लीजिए, आप यूज़ कॉटन कपड़ा लीजिए और उसको एक जगह पे, जैसे आप यहाँ देखिए, हम लोगों ने इसको प्रॉपर गरम करके एक अच्छी आँच पे, हमने 100 डिग्री से ज़्यादा पे गरम किया है, इसे स्टेरलाइज हो जाता है, इसमें सारे जितने बैक्टीरिया जीवाणु होंगे मर जाएंगे, हमने डेटॉल भी डाला हुआ है, इससे एकदम क्लीन हो जाता है, स्टेरलाइज हो जाता है। इसके बाद आप इस कपड़े को एक रेक्टेंगुलर शेप में काटिए। आप लोगों को कॉटन और सूत इकट्ठा करने के बाद किसी भी आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी महिला होंगी या कोई लेडी होंगी जो इसको मशीन से मास्क का शेप दे सकें। बहुत सिंपल है, आप बाज़ार से कोई मास्क लीजिए, उन्हें दिखाइए कैसे कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में काटना है और चारों ओर आपको धागे लगवाने हैं, उनसे वो कर लेंगे, क्योंकि उनका इसमें मेहनत लग रही है, उनका मेहनत आना है, तो हम आपको कहेंगे कि आप उन्हें पैसे ना दें, क्योंकि हर किसी को पैसे की ही अभी की किल्लत है, क्योंकि हम गांव में हैं, हम लोग किसी अपने क्षेत्र से कॉटन के, कुछ लोग कॉटन दें और कुछ लोग अनाज दें, जो महिलाएं ये बना रही हैं आप उन्हें अनाज दीजिए, पैसा मत दीजिए, तो इसमें कहीं से पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इससे ये होगा, सारे गांव वालों के अंदर एक अच्छी भावना ये आएगी कि इन्होंने गाँव के लिए, सारे गाँव के लिए होगा, गाँव के लिए मास्क बनाने के लिए सूत दान किया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। दूसरी ओर वो महिलाएं जो ये सब नहीं कर सकती हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन हाँ उनके पास एक कौशल है ये बनाने का, उन्हें ये अच्छा लगेगा कि उन्होंने ये मास्क बना के गाँव वालों के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो ये बराबरी का दर्जा वाली बात होती है और सब इसमें मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत लगी है तो हम उन्हें अनाज देंगे। तो ये एक और किसी को सपोर्ट करने वाली बात है जो आज के टाइम कर रहे हैं। हमारा पूरा एजेंडा ही ये है कि किसी को भी आप हेल्प करते हैं तो उनको इक्वल फील होना चाहिए। तो इससे ये हो जाएगा कि आप सूतदान करते हैं तो आपको अच्छा मास्क मिल जाएगा और जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें अनाज मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा सर्किल है, ये ऐसा एक फॉर्मेट है जिसमें कहीं भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप लोग अपने ही क्षेत्र में सूद दान करके और अनाज दान करके अनलिमिटेड मास्क बना सकते हैं, अनलिमिटेड। हम ये अपने गांव बिंदुखत्ता में शुरू कर रहे हैं और हमने किया भी है और इससे अभी यहाँ के लोगों को अब मास्क की कमी होना बंद हो रहा है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए। और इन केस अगर कहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सूद दान करना चाहते हैं और वो सूद दान नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई वहाँ वॉलंटियर नहीं है लेने के लिए, तो हम इस नंबर पे आप हमको बताइए और आप मैसेज कीजिए, हम आपके सूत को कैसे अपने पास तक पहुँचाएंगे वो हम व्यवस्था करेंगे और इन रिटर्न आपको मास्क की सुविधा करवाएंगे। थैंक यू।